पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जिया जाए ना, पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज पियाला। प्याला सागर या जो कहें आप शराब वगैरह जो भी है, एक पिया ना पिया नहीं जा सकता, और उसके बगैर एक तिल मतलब एक पल के लिए भी जिया जा नहीं सकता। इसका जो बैकग्राउंड है ये हैदराबाद शहर की बात है, जब हैदराबाद शहर नहीं बना था, गोलकुंडा फोर्ट में कुतुब शाही डायनेस्टी रहती थी, और कुली कुतुब शाह जो थे जब वो तख्त पर नहीं बैठे थे उनके वालिद साहब थे, और वो हुआ ये कि इनका इश्क हो गया एक डांसर से जिसका नाम था भागमती, और जब भागमती से इनका इश्क हो गया तो वो एक मूसा नदी है, मूसा नदी पार करके उसके गांव पर उससे मिलने जाते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि मूसा नदी में बाढ़ आई बारिश के ज़माने में, और अपने घोड़े पर जाते थे, और एक दो बार ऐसा हुआ कि वो तकरीबन बह गए थे पानी से, पानी के बहाव से। तो उनके वाले साहब जो थे मतलब जो शहनशाह थे या जो भी बादशाह थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने मना किया बेटे को कि भाई तुम अपनी जान पर खेल कर ये नहीं कर सकते अपने इश्क में, अगर तुम बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। तो ये तो बाज नहीं आए, इश्क में मुब्तला थे, तो उनके वालिद साहब ने इन्हें कैद कर दिया, कैद में ये जेल में इन्होंने ये लिखा पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाना, और अपने शहर के बारे में जो मनाना चाहते थे। भागमती से इन्होंने बाद में शादी की, और शादी करके उनका नाम रखा हैदर महल, और अपनी बीवी के इश्क में उन्होंने बसाया शहर हैदराबाद, यानी कि हैदर महल का शहर हैदर आबाद। ये एक्चुअली कहानी है, कहानी नहीं है ये हकीकत है शहर हैदराबाद की, ये शुरुआत हुई हैदराबाद। पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज पियाला पिया जाए ना, पिया बाज एक तिल जिया जाए ना, पिया बाज पियाला पिया जाए ना।